तो ये वाली वीडियो आप लोग पूरी देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को ढील का पेड़ लड़ा के दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप देखिए चाइना मंजा अगर आप काटना चाहते हैं तो आप लोग ढील का पेड़ लड़ाया करिए, क्योंकि चाइना मंजा ढील के पेड़ में काफ़ी आसानी से कट जाता है। तो अगर आप लोग को भी पूरा जानना है तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो दोस्तों ये देखिए, ये रही हमारी, देखिए पतंग रही, पौनी पतंग रही, और थोड़ी सी पतंग फटी है लेकिन उड़ने में काफ़ी बढ़िया उड़ेगी ये पतंग। और ये रहा हमारा मंजा, और जो आज हवा है वो भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी पेड़ लड़ाऊँ वो सब ढील के पेड़ लड़ाऊँ, और फिर दूसरों की पतंग काटेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा की स्पीड कितनी तेज़ है कि पतंग संभल नहीं रही है। ये देखिए हवा काफ़ी तेज़ है, तो हमें थोड़ा सही से पतंग उड़ानी पड़ेगी वरना हमारी पतंग घुस जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जैसे तैसे करके पतंग पार हो गई है, और सामने एक पतंग वो देखिए पेड़ के अंदर घुस गई वो, वरना हम उसी से ही पेड़ लड़ाते। चलो आगे देखते हैं, आगे अगर कोई पतंग होगी तो उससे लड़ा के अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वो देखिए वो पतंग देखिए वो निकाल ली उसने पेड़ से, चलो इसी से लड़ाते। और एक बात मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि आज हवा काफ़ी तेज़ है, तो अगर मैं ढील दूंगा तो हमारा अपोनेंट भी काफ़ी आसानी से ढील देगा, क्योंकि अगर हवा तेज़ चलती है ना तो अगर एक बंदा ढील दे और दूसरा बंदा खींचना चाहे तो खींच वाले की पतंग कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी पतंग पार कर ली है, चलो इसमें सद्दी बांधते हैं और डायरेक्ट पेड़ लड़ा के आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पेज आ गया, तो जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग है मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो नीचे से आ रखा है। तो हवा देखिए काफ़ी तेज़ चल रही है, और यहाँ पे देखिए मैं गया, थोड़ा हमें डोरा मिलाना है पहले, उसके बाद ढील देनी है। तो ये देखिए ये रही हमारे अपोनेंट की पतंग, काफ़ी भरते हुए आ गया है, ये चला मैं उसके मुँह की तरफ, और यहाँ पर देखिए उसके हाथ करके दिखा के मैंने, और यहाँ पे देखिए ढील देना शुरू कर दी हमने। देखते हैं किसकी पतंग कटी है, मेरी घुस गई है पूरा नीचे, और यहाँ पे देखिए हमने पतंग काट दी। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं दोस्तों पहली पतंग काट दी है, और मैं आपको अपनी पतंग की भी डोर दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये रही मेरी पतंग, तो अभी दूसरी पतंग काटते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी आपने लोगों ने देखा मैंने एक पतंग काटी है ढील से, और अभी आप सामने देख सकते हैं तीन चार पतंग उड़ रही हैं, चलो इन्हीं में से किसी से पेड़ लड़ा के अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं अपनी पतंग दिखा दे रहा हूँ, जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग है, और सामने एक पतंग उड़ रही है इसी से लड़ाते हैं, लेकिन वो देखो अपनी पतंग बचा के भाग रहा है वो। चलो उठा लेते हैं, देखते हैं कोई और लड़ाने आता या नहीं। तो देखिए मैंने अपनी पतंग हटाई तो वो बंदा दोबारा से लेकर आ गया अपनी पतंग, और ये देखिए ऊपर से एक बंदर लड़ाना चाह रहा हमसे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ब्लू सर्कल के अंदर उसकी पतंग रही, वो ऊपर से और हम नीचे से हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा कन्ने पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हम अपना पेज बचा लेते हैं। तो दोस्तों उस समय तो मैंने अपना पेज बचा लिया था, क्योंकि वो जो बंदर था वो मेरे कन्ने पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे हम दोबारा से पेज लड़ाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे अपोनेंट की पतंग सामने रही, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, और ये देखिए ये मेरी पतंग आई। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग है, और जो पतंग आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख रही होगी ये हमारे अपोनेंट की पतंग है। तो ये देखिए ये गया मैं, और यहाँ पर देखिए पतंग रखी है, और देखिए कितनी आसानी से हमने पतंग काट दी। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए हमने एक और पतंग काट दी है, और ये मेरी पतंग रही, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सामने आपको दो तीन पतंगें दिख रही हैं, इन्हीं में से अभी पेड़ उड़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग है, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है। तो ये देखिए ये गया मैं नीचे से, हमारा अपोनेंट जो है वो नीचे लेके भाग गया अपनी पतंग। तो ये देखिए वो आ रहा है काफ़ी तेज़ी में, ये मैंने पतंग रखी अपनी, और यहाँ पे पतंग नीचे घुस गई थी तो मैंने ऊपर उठा ली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दो तीन पतंगें मुझसे
एक साथ लड़ाने को आ रहे हैं, तो चलो इसी से लड़ाते हैं। तो ये देखिए, ये गया मैं, तो ये मेरा झोल काटना चाह रहा था, मैंने अपनी पतंग टाइट कर ली है। तो अभी दोबारा से लड़ाऊंगा इन्हीं से, अभी आप देखना, इस वाले से लड़ाता हूँ। ये देखिए कैमरा थोड़ा सही से मैंने सेट कर दिया, अब देखिए आप। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दोबारा से बता दे रहा हूँ कि जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग है, सही है, मैं ऊपर से लड़ाऊंगा, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। तो ये देखिए, ये गया मैं उसके हाथ की तरफ, थोड़ा ये उसने खींची है, ये मैंने उसके हाथ की तरफ दिखाई, और यहाँ पे देखिए पेच पड़ गया है, लेकिन मेरी पतंग कट गई अब क्या। तो दोस्तों अब क्या, मेरी जो पतंग थी वो थोड़ी छोटी पड़ गई, इसलिए मेरी पतंग यहाँ पे कट गई है। तो यहाँ पे एक पेज लड़ रहा है, जो ये बंदा मुड्डेदार वाला ही ऊपर से है और ब्लैक वाला नीचे से, मुड्डेदार वाले ने मुड्डा मारा और यहाँ पे देखिए पतंग उसने काट दी है। तो मुड्डेदार वाले ने क्या करा, खींच के अपनी पतंग को एकदम से भर्रा छोड़ दिया और पतंग काट दी है। और हवा की स्पीड आप देख सकते हैं, हवा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, और पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा पतंगें कट के आ रही हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितनी तेज़ हवा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा काफ़ी तेज़ है और पतंगें काफ़ी मुश्किल से संभलने में आ रही हैं। और इधर दिखाऊं तो ये देखिए ऊपर से, ये देखिए पीछे पेज लड़ना क्लब वालों के, तो इनकी देखिए पतंग कितनी लंबी टूट के जा रही है, और यहाँ पर भी पतंगें उड़ रही हैं, वो गई देखिए पतंग। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और देखिए आज की वीडियो में आपको पेज लड़ा के मैंने दिखा दिया ढील से, क्योंकि आप लोग के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि ढील से पेड़ उड़ा के दिखाओ। और एक बात और, अगर हवा तेज़ चले तो आप कोशिश करा करो कि तेज़ हवा में ढील का ही पेड़ उड़ाया करो, क्योंकि अगर तेज़ हवा में आपका अपोनेंट खींचता है और अगर उसकी खींच ज़्यादा तेज़ नहीं होती है तो वो काफ़ी आसानी से कट सकता है। और आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि अगर आपकी खींच ज़्यादा तेज़ नहीं है तो आप तेज़ हवा में खींचा मत करो पतंग, ढील से ही उड़ाया करो। और बात रही चाइना वालों की, तो चाइना वालों को भी काफ़ी बढ़िया तरीका है काटने का, अगर आप चाइना वालों के साथ पेज फंसा लेते हो तो आप उनकी पतंग काफ़ी आसानी के साथ काट पाओगे, क्योंकि चाइना मंजा फंसा के नहीं काट पाता है। तो अगर आप कॉटन मंजा यूज कर रहे हो तो काफ़ी आसानी से चाइना को काट सकते हो फंसा के। तो दोस्तों यही थी वीडियो, और आपको ये वाली वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना पतंग वाले दोस्तों में, और मुझे कमेंट भी करना कि आप मुझे रोज़ वीडियो अपलोड करनी चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा रोज़ वीडियो अपलोड करने की। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।